महानगर मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने लोगों से अनेकों वादे किए थे लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कहा था महंगाई और बेरोजगारी दूर करेंगे लेकिन हुआ उल्टा, महंगाई चरम सीमा और बेरोजगारी आसमान छू रही है। उन्होंने कहा कि हम आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जगह जगह जाकर प्रजापति चौपाल लगाएंगे और हमने जो वादे किए थे वे पूरे करके दिखाए हैं और आगे भी पूरे करेंगे। दरअसल आपको बता दें, जनपद मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष राजकुमार प्रजापति के घर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति पहुंचे, जहां उन्होंने अपने सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता की और आगामी विधानसभा चुनाव में कैसे जीत हासिल करें इसको लेकर रणनीति बनाई। साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में जो लोगों से वादे किए थे वे वादे पूरे नहीं कर पाई है और आज के टाइम पर सरसों का तेल, पेट्रोल, घरेलू गैस आदि के दाम आसमान छू रहे हैं और बेरोजगारी का आलम यह है कि हर दूसरा आदमी बेरोजगार है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली को लेकर उत्पीड़न किया जा रहा है, लोग बिजली की मार से मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनेगी तो हम सभी को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। इससे पहले भी हमारी सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे हमने उसे बखूबी पूरे किए हैं और आगे भी पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। मुरादाबाद से परवीन अंसारी की रिपोर्ट। पत्रकार बंधुओं, आपके अभिवादन के साथ आज जो हम जनपद मुरादाबाद में हैं वो इसलिए हैं कि जो उत्तर प्रदेश में बाबा योगी जी की सरकार है और केंद्र में जो मोदी जी सरकार है, इन्होंने सभी को और विशेष रूप से अति पिछड़ी जातियों का हक और अधिकारों को लपट छीन लिया है। जो पेट में रोटी नहीं थी उस तक को भी छीन लिया है और इन्होंने मंदिर और मस्जिद और धर्म के नाम पर इन लोगों को छला है, इनके साथ धोखा किया है। 2014 में जितने इन्होंने वायदे किए थे, एक वायदे को छोड़कर एक वायदा पूरा इन्होंने नहीं किया। चाहे काले धन की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, उनकी फसल का उचित दाम मिलने की बात हो, गन्ना भुगतान की बात हो, व्यापारियों को विशेष सुविधा देने की बात हो, एक बात देखिए, एक वायदा भी इन लोगों ने पूरा नहीं किया। देश को बेच डाला, आप अच्छी तरह जानते हैं, बहल हो, सेल हो, BSNL हो और ये रेल हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, कोई चीज़ ऐसी इन्होंने छोड़ी ना, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान है। आज आप देखिए रेल में यात्रा करते हैं, पिछले दिनों इन जो सीनियर सिटीजन को जो छूट दी जाती वो समाप्त कर दी, महिलाओं को आधे पैसों में यात्रा की जाती वो ख़त्म कर दिया, बच्चों के 11 साल के बच्चे, छोटे बच्चे की जो टिकट थी वो आधे पैसों में होती थी वो ख़त्म कर दी। इन्होंने तेल, डीजल और पेट्रोल, इन्होंने नारा दिया था पेट्रोल और डीजल की मार अब की बार भाजपा सरकार कि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव कम होगा तो हम कम करेंगे और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा करेंगे। आपके मीडिया के माध्यम से और बड़े सम्मान के साथ छाप देना, दिखा देना, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो छल किया है। 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 161 से 167 रहा, आज मात्र सिर्फ 62-63 रुपये है तेल का भाव 100 के आसपास। LPG का पता ही नहीं, 930 रुपये। केरोसिन लगभग समाप्त हो गया, जो गरीबों की झोपड़ी में रोशनी करने काम आता है वो इनके पास नहीं है। आरक्षण को इन्हें निजीकरण के नाम पर लगभग समाप्त करने का काम कर दिया। माननीय अखिलेश जी ने 3 बार प्रस्ताव भिजवाया पार्लियामेंट में कि ये लोग सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, लेकिन इन्होंने उस पर ध्यान ना देकर पार्लियामेंट छोड़कर ये बाहर चले गए। पत्रकार बंधुओं, तारीख थी 13 जुलाई 2017,
ये वे लोग हैं, इन्होंने सब कुछ छीन लिया। तो मुझे आपके माध्यम से इतना ही कहना है कि इस प्रजापति चौपाल के माध्यम से हम हर गांव-गांव जा रहे हैं। आज हमारा 129वां दिन है, कल हम संभल जाएंगे, परसों और फिर बाद में जो हम बदायूं जाएंगे, ये हमारे कार्यक्रम लगे हैं। और हम समाज के लोगों को, किसानों को, विशेष रूप से प्रजापति और अति पिछड़ी जातियों को बताएंगे कि धर्म एक आज़ादी है। संविधान की धारा 340-41 में ये आज़ादी है। कोई हनुमान को पूजता है, कोई भगवान शिव शंकर को पूजता है, कोई साईं बाबा को पूजता है, कोई ज्योति वाली को पूजता है, ये आज़ादी का विषय है। हम पूजा करते हैं हिंदू लोग अपने मंदिर में, अपने घर में, और हमारे मुसलमान भाई इबादत करते हैं अपनी मस्जिद में, ये आ जा। लेकिन ये जैसा अंग्रेजों ने राज किया ना, फूट डालो और राज करो, वही ये हिंदू और मुसलमान के नाम पर फूट डालकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में लोग समझने लगे हैं, त्राही त्राही मची है, जो बोलते नहीं थे वो चिल्लाने लगे हैं। इन्होंने बहुत बड़ा छल और कपट किया है, और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार ये आम जनता बनाएगी। और जो जितना राज्य सरकार को अधिकार होता, हमारी एक बात बता दो, जो हमारा पिछले दिनों मैनोफेस्टो था 2012 में, कौन सा पूरा ना किया? मेट्रो का वादा किया था, मेट्रो चलाई, किसानों के फसल का दाम की बात थी वो हमने दिया, हमने जो ये कहा था कि हम स्वास्थ्य के लिए 4 अस्पताल बनाए, बिजली घर बनाएंगे, 4 बड़े बिजली घर बनाए, हमने जो है बिजली को जो ट्रांसवे होते हैं बंटवारा किसानों के लिए अलग, व्यापारियों के अलग, घरेलू अलग, शहरी अलग, ये हम लोगों ने किया। किसान बोर्डर पर बहुत अच्छा सवाल किया पत्रकार बंधु, जो पेट की भूख मिटाता है, जो धरती का सीना चीर कर वो किसान हमारे सब जनता के पेट भरता है, वो किसान 3 मांगों को और MSP जो है की गारंटी हो, इस लेकर 9.5-9.5 महीने, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे शाहजहांपुर बॉर्डर हो, इन पर बैठा है कि मोदी जी आपने कानून बनाने से पहले आपने पंजाब हरियाणा में आपने जो बड़े बड़े गोदाम बना दिए, इसका मतलब सीधे सीधे इन्होंने इस देश के किसानों को गुलाम बनाने के लिए, जैसे BSNL समाप्त हो गया ना, BSNL मात ही ना, आज आइडिया और जियो को 4G 5G का लाइसेंस देकर उसको निष्क्रिय कर दिया BSNL को, ऐसे ही जब फसल को आज़ादी दे दी जाएगी कि कोई भी आदमी कितनी भी जमाखोरी कर सकता है, तो जैसे आज पिछले दिनों तेल का भाव, सरसों के तेल एडेबल ऑयल, उस तेल का भाव था 80 रुपये, आज लगभग 125 के आसपास है, जबकि गूगल पर अगर डाल के देखा जाए इस बार 20% हरियाणा राजस्थान देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, संविधान और इस देश में ये जो वर्ग हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबको बराबरी का हक है, अपने अपने धर्म को जीने का हक है, ये क्या बुरी बात है? वो भी तो इस गाड़ी के 4 पहिए हैं, हिंदू मुसलमान, अगर उन्होंने ये नारा दे दिया तो मैं तो ये नहीं समझता कि ऐसी कोई बुरी बात है। लेकिन लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं, ये BJP के लोग यही तो करते हैं, इतने 1,18,002 रुपये प्रति पोस्ट पर IT सेल में इन लोगों ने बैठा रखे हैं, जो इस तरह फर्जी, आपने पहले भी देखा होगा कि फसल बेच रहा है कोई और टोपी लगा दी मेरे मुसलमान भाई की, कहा कि ये तो थूक लगा कर फल बेचते हैं, नफरत, जो भाईचारा ये समाप्त कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ थी, है और रहेगी।